Hello and welcome back dear student, this is Srihari sir and today we are going to get information about the Warkari Sampradaya, means the work of the Warkari movement. Lekin is Warkari movement ko janne se pehle hame janna bahut zyada zaruri hai. What is mean by Warkari aur Warkari ka Sampradaya ka mukhya uddesh kya hai, hai na, aur iski shuruaat Maharashtra mein kisne ki hai aur uska uddesh bhi kya hai, to isko hum step by step jante hain. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. डियर स्टूडेंट, वारकरी संप्रदाय इसका मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और एकात्मता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखना, ये रहा है. अब वारकरी संप्रदाय की शुरुआत मोस्ट प्रोबेबली संत ज्ञानेश्वर इन्होंने की है. संत ज्ञानेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है, मराठी में वो अभंग है, संत ज्ञान देवे रचियला पाया तुका झाला से कलश. कलश मीन्स व्हाट? कलश. इस वारकरी संप्रदाय को एक टेंपल से कंपेयर किया है. जैसे कि एक टेंपल होता है ना, तो उसको स्थापित करने से पहले उसका बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. विदाउट स्ट्रांग बेस कोई भी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती. तो इस वारकरी संप्रदाय की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर महाराज ने किए हैं और वो उनका फाउंडेशन बन गया. अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इमारत जो होती है, बिल्डिंग होती है, वो काफी ऊंची भी बन सकती है. इसमें कई संत बाद में आके जुड़े हैं और इन संतों ने इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को क्या रखा है, बनाए रखा है, जारी रखा है. संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इनका फाउंडेशन किया है और संत तुकाराम महाराज इसके कलश बन चुके हैं. और माय डियर स्टूडेंट, इन संतों ने एक एक करके अपने जीवन काल में समाज को एक यूनिटी में जोड़े रहने का संदेश दिया है, एकता और एकात्मता का मैसेज दिया है. लेकिन ये मैसेज देने से पहले जो सामाजिक जीवन था वो कैसे था, वो तो आपको पता है. पीपल्स लाइफ वॉज इन द मिजरेबल कंडीशन. जो लोग हैं वो अत्यंत दयनीय अवस्था में जी रहे थे. देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ ब्लाइंड बिलीफ्स एंड रिचुअल्स. उनका जो जीवन है वो कई अंधश्रद्धाओं से भरा हुआ था, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है. ब्लाइंडली उन सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करते थे और इसके वजह से लोग दुखी होते थे. इसमें से बाहर निकालने के लिए ये जो संत हैं हमारे देश में, इन्होंने क्या किया है, लोगों को साइंटिफिक वे से भी अवेयर किया है और आध्यात्मिक तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है. इसीलिए संतों ने क्या किया है, अपने अभंगों की रचना की है. अभंगों के माध्यम से लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया है और इस विश्वास की डोर इतनी मजबूत कर दी है कि वो अपने इस दुखमय जीवन से क्या कर पाए, ओवरकम हो सके और अपने जीवन को एक आत्मविश्वास के साथ और सुख और समाधान से क्या कर सके, जी सके. ऐसा काबिल लोगों को इन संत परंपरा ने बनाया है. अब वारकरी उसे कहा जाता है जो डिवोटी है लॉर्ड विठला का. लॉर्ड विठला जो है भगवान विठल, वो पंढरपुर में जो भीमा रिवर के पास सिचुएटेड सिटी है, उस सिटी के पास उनका टेंपल है और वहाँ पे लॉर्ड विठला स्थापित है. लॉर्ड विठला है ऐसे वारकरी संप्रदाय का विश्वास है. और विठला के अभंग बनाकर वो उनकी भक्ति करता है. तो वारकरी संप्रदाय की सोल है भक्ति, है ना. वो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, द वे ऑफ डिवोशन एंड द वे ऑफ भक्ति. तो ये भक्ति मार्ग की जो टीचिंग है वारकरी संप्रदाय देता है. संत ज्ञानेश्वर के बाद कई संत आए, जैसे कि इसमें संत ट्रेडिशन पर शुरू हो गई, संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरि, संत शेख मोहम्मद, है ना. संत चोखोबा की जो सिस्टर है वो भी एक संत थी, उनका नाम संत निर्मला बाई, है ना. और उनकी जो वाइफ है वो भी संत रही है, उनका नाम है सोयरा बाई. सो कई फीमेल संत भी इसमें थे, जैसे कि संत मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर महाराज की जो सिस्टर रही है वो, संत जनाबाई, संत बहिनाबाई, है ना. और भी कई संत महिलाएं भी थी जिन्होंने समाज को एक धागे से बांधने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है. और ये परंपरा
हमारे महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्राउडफुल ट्रेडिशन है। इस संत परंपरा ने, डियर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली अवर स्टेट बट नॉट ओनली अवर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड इज अवर फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम की ये जो टीचिंग है, ये जो ग्रेट टीचिंग है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी मैसेज इस परंपरा ने दिया है। तो कितनी अच्छी परंपरा है। वी आर वेरी प्राउडफुल टू से दैट इन अवर स्टेट दिस ट्रेडिशन इज स्टार्टेड, है ना, हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस राज्य में इस परंपरा की शुरुआत हुई है। इसमें कोई भेद नहीं है। दिस ऑल संत्स वेयर बिलोंग्स फ्रॉम द ऑल स्ट्राटा। अलग अलग स्तर से इन संतों को क्या किया है, इन्होंने अपने अपने जो अनुभव है उसके माध्यम से लोगों को टीचिंग दी है। वैसे तो संतों की कोई जाति नहीं होती है ना, क्योंकि उन्होंने मैसेज ही ऐसे दिए हैं कि कोई जाति भेद उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। संता नाही जाती, सिंपल या पोटी, मोती जन्म घेती, ऐसा मराठी में एक क्या है, मुहावरा है, वाक् प्रचार है। तो माय डियर स्टूडेंट, संतों की कोई जाति नहीं होती है, बल्कि वो तो अलग अलग जाति धर्मों के भेद को नष्ट करना चाहते हैं। सबने मिलजुल कर रहना चाहिए, सबने बंधु भाव से रहना चाहिए। तो ऐसी टीचिंग देने वाली ये क्या है, संत परंपरा है, वारकरी मूवमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस संत परंपरा के बारे में जानकारी ली है ना, जिसकी शुरुआत संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। ओके, तो ये सब हम जानकारी हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।